हेलो फ्रेंड्स, ये है सैमसंग गैलेक्सी M30 और इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इम्प्रेशन। बॉक्स को खोलने पर हमें सबसे पहले मिलता है ये लिड। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आपको मिलती है क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड और अदर डॉक्यूमेंटेशंस। इसके बाद है फ़ोन, जिसे अभी हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। इसके बाद है इसकी USB टाइप सी केबल, यानी कि इसके अंदर आपको मिलेगा टाइप सी पोर्ट। और ये रहा इसका 2-pin वॉल चार्जर जो कि 5 वोल्ट और 2 एम्पायर का है। और ये रहा इसका सिम इंजेक्शन टूल। तो फ्रेंड्स, जब आप M30 को मार्केट से ख़रीदेंगे तो ये सारा बॉक्स कंटेंट आपको उसके साथ मिलेगा। अब देखते हैं इसका फर्स्ट इंप्रेशन। तो शुरू करेंगे हम लोग इस फ़ोन के डिज़ाइन और डिस्प्ले से। आप देख सकते हैं आगे आपको इसमें मिलता है 6.4 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड वी इन्फिनिटी डिस्प्ले। और पीछे आपको इसमें मिलते हैं ट्रिपल कैमरास। जो इसकी बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट बॉडी है और जो एक ग्लॉसी फिनिश के साथ है। आपको राइट स्पाइन पर मिलेगा वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन। लेफ्ट स्पाइन पर आपको मिलेगी सिम ट्रे। नीचे की तरफ आपको मिलेगा 3.5 mm जैक, माइक्रो USB टाइप सी और स्पीकर ग्रिल। बात करें इसके डिस्प्ले की तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी वाइब्रेंट और शार्प है और जो इसके कलर रिप्रोडक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है। एक बार मैं आपको इसके टेक्स्ट दिखाता हूँ, वो भी आपको काफ़ी शार्प दिखेंगे। तो जो इसका टच रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी स्मूथ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टच करने में कोई परेशानी नहीं होती है। अगर इसके दूसरे स्पेसिफिकेशंस पर आएँ तो इसमें आपको मिलता है एक्सनॉस 7904 प्रोसेसर और इसमें आपको मिलेगी 4 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज। मैं आपको एक बार स्टोरेज भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ पर मिल रही है 64 GB की स्टोरेज और ये रही इसकी रैम मेमोरी जो कि है 4 GB की। एक बार इसका सॉफ्टवेयर भी देख लेते हैं तो इसके अंदर आपको मिलता है एंड्रॉयड ओरियो जो कि सैमसंग के कस्टम UI के साथ है। और दोस्तों, इसमें जो आपको बैटरी मिल रही है वो है 5000 mAh की, काफ़ी बड़ी बैटरी है। तो हमें उम्मीद है कि इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा होगा। और साथ में आपको इसमें मिलेंगे कुछ पावर सेविंग मोड्स जो कि सैमसंग के काफ़ी नॉर्मल है, मिड है, मैक्स है और यहाँ पर आपको कुछ अदर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। इसके बैटरी बैकअप के ऊपर हम इसके रिव्यू के दौरान बात करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। इसके कैमरास पर जाएं तो इसमें आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप जो कि 13, 5 और 5 मेगापिक्सल का है। और फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। एक बार इसके कैमरा UI को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो फोकस स्पीड है वो लो लाइटिंग कंडीशन में भी काफ़ी डिसेंट परफॉर्म कर रही है। एक बार शटर स्पीड देखते हैं तो जो इसकी शटर स्पीड है वो भी काफ़ी डिसेंट है। ये जो अभी हमने इससे इमेज क्लिक करी है ये भी देख लेते हैं। कैमरा मोड्स वाइज देखें तो इसमें आपको मिलता है लाइव फोकस, स्टिकर, कंटिन्यू फोकस एंड ऑल। और एक बार मैं आपको इसका वाइड एंगल मोड भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इसका नॉर्मल मोड है और ये इसका वाइड एंगल मोड है। यहाँ पर सेटिंग्स मिल जाएंगी आपको जिसमें आपके पास पिक्चर साइज ऑप्शन, वीडियो साइज ऑप्शन, फ्रंट कैमरा का पिक्चर साइज ऑप्शन और वीडियो साइज ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, ये था सैमसंग गैलेक्सी M30 का अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन का वीडियो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए 9Q मोबाइल्स के चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।